नमो बुद्धाय, मैं विक्रम, आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला, सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। आज हम आप पहुंचे हैं बल्लारपुर में, जिसका जिला है चंद्रपुर, महाराष्ट्र। और आज जो विहार हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस विहार का नाम है सांची महिला बुद्ध मंडल का। ये विहार है जिसका नाम है सांची महिला बुद्ध विहार, जो आता है डॉक्टर आम्बेडकर वार्ड में। तो आइए चलते इस विहार में और देखते किस तरह का है ये विहार। दर्शकों, इस वक्त हम विहार में आ चुके हैं और सारे उपासक और उपासिकाएं इस वक्त त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने के लिए यहां पर मौजूद है। तो आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें।
दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा और जो सुकून इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं, वही सुकून वही शांति आप भी महसूस कर रहे होंगे। अब वक्त है विहार को और अधिक जानने का, तो आइए विहार समिति से हम जानते हैं किस तरह विहार की स्थापना हुई और किस तरह से ये अभी फिलहाल में कार्य कर रहा है। त्यानंतर 2005 मध्ये म्हणजे असं वाटायला लागलं की इथे ग्राउंडमध्ये लोक कचरा वगैरे फेकायचे आणि खूप घाण अवस्थेमध्ये होतं। आणि त्यानंतर आम्ही विचार केला, 2004 मध्ये मनामध्ये वाटलं की आपण इथे बुद्धविहाराची निर्मिती करायला पाहिजे, जेव्हा जागा इथे घेतलेली आहे। 2007 मध्ये आम्ही रजिस्ट्रेशन चंद्रपूरच्या धर्मदाय आयुक्तमध्ये रजिस्ट्रेशन केलं। 2008 मध्ये बांधकामाला सुरुवात केली, म्हणजे कॉलम वगैरे बांधून ते सुरुवात केली। आणि 19 मे 2008 ला बुद्ध जयंतीनिमित्त इथे भूमिपूजन करण्यात आलं आणि अशा तऱ्हेने या बांधकामाला हळूहळू सुरुवात करी अशा तऱ्हेने 2014 पर्यंत हे बांधकामाचे पूर्ण झालेलं आहे। जय भीम, मी अर्चना खर्तळ, साची बुद्ध विहाराची मी कोषाध्यक्ष आहे। रोज इथे सायंकाळी 7 वाजता या विहारामध्ये वंदना होते, वंदनेला बरेच स्त्रिया उपस्थित राहतात। त्यानंतर प्रत्येक महापुरुषांच्या जयंत्या पुण्यतिथ्या साजरा करतो। आठवड्यातून एकदा भारतीय बौद्ध महासभेच्या केंद्रीय शिक्षक येऊन प्रबोधनाचा कार्यक्रम इथे दर आठवड्यात आम्ही आयोजित केलेला होता। त्या शिबिराच्या माध्यमातून आम्ही बाबासाहेबांच्या आणि भगवान बुद्धांच्या जीवनावर बरीच माहिती आम्हाला मिळाली। वर्षवास मालिकेच्या निमित्ताने इथे ग्रंथाचे पठण होते, अशाच प्रकारचे कार्यक्रम आम्ही इथे राबवित आहोत। जय भीम, मी साची बुद्ध विहाराची सदस्य आहे प्रतिमा खेकारे। आत येणाऱ्या काळामध्ये आम्हाला असं वाटते की एखाद्या गरीबाच्या घरी जागा नसते किंवा त्याला अडचण असते जागेची, तर असं वाटते की वरती आम्हाला काहीतरी एखादी हॉल काढावं आणि त्यांच्यासाठी ते मदत म्हणून द्यावं असं आम्हाला वाटते। दर्शको, विहार समितीचे हमने जाना किस तरह से विहार की स्थापना हुई, किस तरह से कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य करने का मानस विहार समिति का है। अब वक्त है अपना विहार अपनी आवाज में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भीम का दीवाना, बोध कथा, आओ मिलकर गाएं और भी बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बने रहें आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना विहार अपनी आवाज। लेकिन उसे फिर पता चलता है कि वो तो पर्स न मिलना था और न मिलता है, वो तो अपने ऑफिस में उस पर्स को भूल आया था। पकड़िए पैर, पैर बोला दर्शकों, सबने अपना सर पकड़ा है, आप देख सकते हैं। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। अब वक्त है एक बोध कथा का। दर्शकों, बोध कथा दिखाने के पीछे हमारा यही मकसद है कि कई बार ऐसा होता है कि जीवन में कई कठिन प्रसंग आ जाते हैं जिससे रास्ता हमें सुझाई नहीं देता, और ये बोध कथा कहने में छोटी होती है लेकिन इससे हमें जीवन में एक नया उजाला मिल सकता है, एक नई राह मिल सकती है और एक जीने का नया तरीका ये हमें सिखाता है। तो आइए सुनते हैं आज की ये प्यारी सी बोध कथा। आज की बोध कथा हमने फिर से आम जिंदगी से ली है। एक व्यक्ति एक बार एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है और पूरी तरह से भरपेट खाना खाने के बाद जब बिल देने की बारी आती है तो उसे पता चलता है कि वो अपना पर्स कहीं छोड़ आया है। वो अपनी जेबें टटोलता है, इधर उधर देखता है, लेकिन उसे फिर पता चलता है कि वो तो पर्स न मिलना था और न मिलता है, वो तो अपने ऑफिस में उस पर्स को भूल आया था। उसे झिझक हुई कि अब वो क्या करे, किस तरह से मैनेजर के पास जाकर बताए कि मैं अपना पर्स भूल चुका हूँ। खैर, हिम्मत जुटाकर वो बिल लेकर काउंटर तक पहुँचा। जैसे ही वो कुछ कहने को हुआ, उसी पल उस मैनेजर ने कहा कि आपका बिल अदा हो चुका है। वो आश्चर्यचकित हुआ कि बिल तो मैंने दिया ही नहीं और मेरा बिल कैसे क्या अदा हो गया। तो उसने कहा कि आपके सामने जो व्यक्ति बैठे थे उन्होंने आपका बिल अदा कर दिया और वो निकल गए। इस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो उन्हें जानता तक नहीं हूँ, मैं उन्हें किस तरह से साधुवाद कहूँ, किस तरह से उनका शुक्रिया अदा करूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप एक काम कीजिए, जिंदगी में जब कभी इस तरह का कोई व्यक्ति आपको नजर आए जिसे मदद की जरूरत हो तो बिना झिझक किए उसकी मदद कर दीजिए, इस तरह आप अपना
कर्ज भी उतार दोगे। दर्शकों, जब हम नेकी करते हैं, कोई भलाई का कार्य करते हैं, तो जरूरी नहीं कि हम किसी को जताकर करें, बगैर जताए भी हम अच्छा कार्य कर सकते हैं जिस तरह उस व्यक्ति ने किया। तो आप भी अपने जीवन में अच्छे कार्य कीजिए, इसका फल मिले ना मिले, लेकिन अच्छे कार्य करने का सुकून आपको जरूर मिलेगा। तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं ये बोध कथा आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई प्यारी सी बोध कथा है तो बस ये नीचे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है इस पर जल्द से जल्द हमें बोध कथा भेजिए, लेकिन जब भेजे तो अपना नाम और पता उसमें जरूर मेंशन कर भेजिए। और अब वक्त है सामूहिक आवाज सुनने का, मिलकर गाने का, मिलकर सुनने का, तो आओ मिलकर गाएं। दर्शकों, मैदान सज चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे उपासिकाएं, कुछ उपासक गेम खेलने के लिए बड़े बेताब हो गए हैं। गेम वही है दर्शकों जो हम लेते आए हैं, और जिस गेम का नाम है भीम का दीवाना। जी हाँ, भीम का दीवाना। और ये गेम आज हम इस बिहार में खेलने जा रहे हैं। गेम के रूल्स फटाफट मैं आपको बता दूं और इन्हें भी बता दूं। हाथ पैर नाक कान सर, इसमें से किसी भी एक चीज को छूने के लिए मैं कहूंगा, इन्हें छूकर दिखाना है खुद की। अब इसमें ट्विस्ट यह है कि इन सबको जयभीम 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 बोलते रहना है, और मैं अचानक से कहूंगा हाथ को हाथ लगाइए, नाक को पकड़िए, और ये उन्हें कर दिखाना है। लेकिन इसके पहले कि हम गेम शुरू करें, सबसे पहले एक हमेशा की तरह एक ट्रायल हम ले लेते हैं दर्शकों। सर को हाथ लगाएं, नाक को, ओके आप नीचे करें। दर्शकों, आपने देखा कितनी आसानी से इन्होंने कर दिखाया है। कुछ लोगों ने बहुत धीरे किया और कुछ लोगों ने बहुत फास्ट किया है। अब देखना यह है कि गेम शुरू होने के बाद सबसे पहले कौन करके दिखाता है। आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला दर्शकों, सबने अपना सर पकड़ा है, आप देख सकते हैं। वो अभी तक के अपना सर पकड़े हैं। दर्शकों, क्या हो गया ये इन्हें भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा। वही हुआ है जो हमेशा होता आया है, जब हम जय भीम जय भीम जय भीम कहते हैं तो हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारे पैर कहाँ है और हमारा सर कहाँ है। तो दर्शकों, जैसे मैं तो कहता हूँ कि मैं हूँ भीम का दीवाना, और यहाँ पर सारे बन चुके हैं भीम के। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार। कभी सपनों के लिए अपनों से दूर मत होइए, क्योंकि अपनों के बिना सपनों का कोई मतलब नहीं होता। तो आप हमेशा अपनों के साथ रहे, यही मंगल कामना है। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना बिहार अपनी आवाज। बाबा साहब ने एमए जो पास किया था वो किस दिन, किस महीने और कौन से साल में किया था? एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होंगे। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मनपसंद शो अपना बिहार अपनी आवाज में। दर्शकों, अब वक्त है सवाल और जवाब का, तो आइए हम करते हैं सवाल और जवाब। इस बार हम ये कर रहे हैं कि दो ग्रुप हमने बना लिए हैं। पहला सवाल इधर के ग्रुप से मैं करूंगा, दूसरा सवाल इधर के ग्रुप से करूंगा,
और तीसरा सवाल दोनों से संयुक्त रूप से करूंगा। तो आइए शुरू करते इस ग्रुप से हम। मेरा पहला सवाल ये है, मुझे ये बताएं कि बाबा साहब ने MA जो पास किया था वो किस दिन, किस महीने और कौन से साल में किया था, कोई बता पाएगा? उधर आप में से कोई, इधर से नहीं। दर्शकों मैं आपको बता दूं, आप देना चाहते आ जाए यहाँ पे। उन्होंने 2 जून 1915 को MA पास किया था। दर्शकों इन्होंने जवाब तो दिया है और मैं आपको बता दूं ये जवाब बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार ताली। मैंने सोचिए दर्शकों, हम जो सवाल जवाब करते हैं वो विहार से संबंधित इसलिए करते हैं कि आप जिस विहार में आ रहे हो उसमें इतनी कुछ चीजें होती, इसमें इतना ज्ञान होता है, लेकिन हम उसे छोड़ देते हैं। अगर इस विहार में आने के बाद बाबा साहब का पूरा जीवन चरित्र यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर उसे पढ़ लेते तो शायद इसका जवाब दे पाते। खैर ये तो सामने ही थे फिर भी इन्हें दिखा नहीं, उन्होंने वहां से देख लिया, आपने ध्यान, वही तो हम कह रहे हैं कि आप जिस विहार में आते हो वहां ध्यान दीजिए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि इस विहार में महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की छोटी बड़ी मिलाकर कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? ये सवाल ये ग्रुप से कर रहा हूं। आ जाए, जय भीम, अपना परिचय दें। रंजना अलोने। बताएं कितनी है? 27। 27? किनके रखी थी? और 27 इन्होंने कहा है, लेकिन दर्शकों मैं आपको बता दूं कि इनका जो जवाब है वो बिल्कुल भी सही जवाब है, जोरदार जवाब। बिल्कुल सही जवाब है। दर्शकों इस विहार में कुल महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम की जो छोटी बड़ी प्रतिमा है वो कुल 27 है। जी हाँ। और अब मेरा अंतिम सवाल यह है कि इस विहार का जो पूरा उद्घाटन हुआ है, स्थापना हुई है, वो किस दिन, किस महीने और कौन से साल में हुई है? एक ही हाथ ऊपर हुआ है। आ जाए, जय भीम, आपका परिचय दें। मैं इस विहार की सचिव पंचशिला वेले। बताएं कब हुई स्थापना? स्थापना मतलब उद्घाटन। हाँ, 28 अक्टूबर 2014। 28 अक्टूबर 2014 हो गया ना, दिन भी आ ही गया ना। खैर कोई बात नहीं। ओके जोरदार तालियां, सही जवाब है। तो दर्शकों देखा, मिला जुला हमें प्रतिसाद मिला है और इसी तरह हम आपके विहार में भी आने वाले हैं। हम क्या पूछेंगे हमें कुछ भी पता नहीं, हम जब आपके विहार में आते तब हम डिसाइड करते कि हमें क्या पूछना है। तो आप भी तैयार रहें। दर्शकों वक्त है सामूहिक शपथ लेने का, वही शपथ जो हम हर विहार में लेते हैं। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, हर बुद्धिष्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका आद्य कर्तव्य है। लेकिन न तो हम बाबा साहब के आदेश का पालन करते हैं और न ही अपने इस कर्तव्य की पूर्ति करते हैं। इसीलिए आवाज इंडिया टीवी और अपना विहार अपनी आवाज इस कार्यक्रम के तहत हमने एक मुहिम चलाई है कि लोगों को जागृत करें और प्रेरित करें, इसीलिए हम ये शपथ लेते हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर शपथ। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे और यथाशक्ति धम्म दान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से
हम मिलकर ये शपथ ग्रहण करते हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ ली होगी, और हाँ, न सिर्फ ली होगी बल्कि आप इस शपथ का मान रखते हुए इसका पालन भी करेंगे और बाबा साहब के आदेश का भी पालन जरूर करेंगे। दर्शकों, आवाज इंडिया टीवी चैनल को जो आप लोगों का प्यार और सहयोग मिल रहा है, इसी की बदौलत आवाज इंडिया टीवी चैनल आज घर घर तक पहुंच चुका है। इस चैनल को मजबूत बनाने के लिए आप जैसे हजारों लोगों का योगदान इसमें है, लेकिन ये चैनल किसी के दान पर नहीं चलता है बल्कि आप लोग जो विज्ञापन देते हैं उस पर चलता है। आपके घर पर परिवार में होने वाले जन्मदिवस, शादी की सालगिरह या स्मृति दिन या कोई भी शुभ प्रसंग की अगर आप एक विज्ञापन भी साल भर में आवाज इंडिया टीवी पर देते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा लेते हैं। इस बिहार में भी साल में एक विज्ञापन देकर कई लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। आइए देखते हैं किन किन उपासक और उपासिकाओं ने इस जिम्मेदारी को इस बिहार में निभाया है। आवाज इंडिया टीवी चैनल को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, क्या आपने निभाई है? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आप निभाएंगे? आवाज इंडिया चैनल को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया चैनल को मैंने ऐड देके अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया चैनल टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवीला जाहिरात देऊन मी माझी जबाबदारी पूर्ण केली, तुम्ही केली का? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? तो ऐसा है दर्शकों, डॉक्टर आंबेडकर वार्ड बल्लारपुर जिला चंद्रपुर का ये साची महिला बुद्ध विहार। उम्मीद करते हैं अन्य विहारों की तरह ये विहार भी आपको जरूर पसंद आया होगा, और आपको भी अगर लग रहा है कि आपका विहार, आपकी आवाज दुनिया तक पहुंचे तो ये नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर आप हमें आपके विहार का पूरा विस्तृत जानकारी लिखकर भेज दीजिए और हम कोशिश करेंगे कि आपके विहार को, आपकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाए। अब आप अपना विहार, अपनी आवाज़ का लुत्फ और उठा सकते हैं। इसके जितने भी एपिसोड अब तक हो चुके हैं, सारे के सारे एपिसोड्स आप YouTube पर देख सकते हैं। बस आपको YouTube पर अपना विहार, अपनी आवाज़ टाइप करना है और आपको सारे विहार नज़र आ जाएंगे जिसे आप बार बार देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत बड़ी अच्छी प्यारी सी बोध कथा है या कोई अच्छे विचार है तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को, कैमरा पर्सन नीलेश के साथ दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नए विहार में, नई जगह पर। तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार, अपनी आवाज़।
पहला सवाल ये है